हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं अर्शल, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी सुबह की भाई 8 बज रहे हैं और ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। देख सकते हो सूरज अंकल भी काफ़ी निकल आया है। और आजकल भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो भाई बिना काम के आप लोग घर से बाहर मत निकलो। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिक्सले न्यू गंगा ब्रिज का कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, जो मैनार वाला रोड है। मैनार वाले रोड से लेकर के काष्ठी घाट तक बहुत सारा काम हुआ है। ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम साइट पर पहुंच चुके हैं और ये महनार वाला रोड के पास दरअसल भाई अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये महनार वाला रोड था और यहाँ पर अभी भाई पाइल चिपिंग का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को भाई अपडेट करूँगा, और रेगुलर अपडेट मैं दे ही रहा हूँ तो आप लोगों को अपडेट मिल ही रहा होगा। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को दिखेगा रिटेनिंग वाल, अलग रिटेनिंग वाल में काम चल रहा है। तो गाइस देख सकते हो रिटेनिंग वाल का भी काम चल रहा है, शटरिंग लगाने का काम हो रहा है, सपोर्ट लगाने का काम हो रहा है। ये देख सकते हो आप, शटरिंग का काम ऑलमोस्ट फाइनल ही होने वाला है। थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम बचा हुआ है, जैसे ही सपोर्ट दे दिया जाएगा उसके बाद कंक्रीट कर दिया जाएगा, फिर कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं माइनर ब्रिज 1 के पास। भाई यहाँ पर पाइल चिपिंग का काम स्टार्ट कर लिया गया है। कल मैंने देखा था कि भाई पाइल चिपिंग का काम हो रहा था। शाम को जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था, जो पाइल हेड है उसका चिपिंग का काम यहाँ पर चालू कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो उस तरफ में भी आपको पाइल फाउंडेशन दिख रहा होगा। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं माइनर ब्रिज 2 के पास और यहाँ पर भी भाई पाइल बोरिंग का काम हो रहा है, पाइल फाउंडेशन का काम हो रहा है। डेली भाई यहाँ पर काम चल रहा है पाइल बोरिंग का, उसके बाद फिर कंक्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पाइल मशीन आप लोगों को दिख रहा होगा। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप लोगों को ये नया मला मिट्टी दिख रहा है ना, इस सब के अंदर में ना पाइल फाउंडेशन किया गया है। पाइल फाउंडेशन होने के बाद कंक्रीट करने के बाद फिर मिट्टी वापस ऊपर ऊपर से डाल दिया गया है। बाद में एक्सीवेटर की मदद से जो है सो मिट्टी निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे इक्विपमेंट जो है सो यहाँ पर मौजूद है और पाइल केज भी उधर बंदी किया जा रहा है। अभी यहाँ पर ज़्यादा काम बचा नहीं है, एक पेयर का और पाइलिंग होगा उसके बाद फिर दूसरे जगह पर काम स्टार्ट होगा गाइस। और गाइस कुछ लोग कमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, कच्ची दरगाह विदुपुर सिक्स लेन न्यू गंगा ब्रिज का काम जो है सो आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। राघोपुर के साइड भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लॉन्चिंग का भी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो भाई अगर टोटल लेंथ की अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट का, तो भाई 22.760 मीटर है। और भाई जो मेन मुख्य ब्रिज होगा जो गंगा नदी में बनेगा अपना, 9.76 किलोमीटर का होगा। और जो 67 नंबर पाया है वहाँ से लेकर के जिस रोड में अभी हम लोग चल रहे हैं, 67 नंबर पाए से लेकर के जो ये एंड हो रहा है NH 322 में, वो 8 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। और इस 8 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में भी भाई कई जगह पे माइनर ब्रिज है, मेजर ब्रिज है, जंक्शन फोर है, PUP है, व्हीकल अंडर पास है, उसके बाद फिर पेडेस्ट्रियन अंडर पास है, उसके बाद CUP है, कैटल अंडर पास है। तो बहुत सारा काम है अप्रोच रोड में भी, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। कुछ हाईवे वाला हिस्सा भी है तो उसमें भी काम तेज़ी से हो रहा है। तो आज के डेट में अगर आप आओगे तो भाई आपको हर जगह पर काम होता हुआ दिख जाएगा। वही अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो भाई ये 4,988 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। और डेडलाइन की अगर हम बात करें तो भाई ये 2025-26 तक जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है काम काफ़ी ज़्यादा है। और अभी गंगा नदी में 8 पेयर बनाने का काम अभी भी बचा हुआ है, मतलब बिदुपुर के साइड जो गंगा नदी है उसमें अभी 8 पेयर बनाने का काम और बचा हुआ। ग्राउंड जीरो के ऊपर सारे पाया आ गए हैं, लेकिन पेयर टेबल अभी तक भाई बना नहीं है। पेयर टेबल बनाने का काम भी बचा हुआ है। आप लोगों को हम बहुत जल्द उधर का भी तस्वीर दिखाएंगे, कभी जाना रहेगा उधर का भी कभी जाना रहेगा तो उधर भी आप लोगों को हम अपडेट देंगे। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जंक्शन 4 के पास। यहां पर आप देख सकते हो पाइल हेड चिपिंग का भाई काम किया जा रहा है। उस तरफ में जो मैंने आप लोगों को एच शेप में दिखाया था पाइल के बनाने का काम, उसमें भाई शटरिंग वगैरह लगा रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को जूम करके देख सकते हो गाइस, उसमें शटरिंग वगैरह सब लग गया है। और एक दो दिन में जो है भाई उसका कंक्रीट कर दिया जाएगा। सर्वे वाले भैया भी आप लोगों को दिख रहा होगा पॉइंट मार्किंग दे रहे भाई। और इसमें पाइल चिपिंग का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब हो गया है, एक पाइल हेड का काम बचा हुआ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और गाइस ये वायाडक्ट 4 है, तो इस सब में जो है सीमेंट लॉन्च होगा आने वाले समय में। जैसे ही कुछ काम आगे बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल काम भाई काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। ये देख सकते हो जो अबटमेंट वाल है इसका भाई शटरिंग लगाने की तैयारियाँ हो रही है। ये रोलर भी भाई जा रहा है माइनर ब्रिज 1 के पास, जो हाईवे वाला हिस्सा है उसमें काम करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस लिपस्टिक चौक के पास हम पहुँच चुके हैं। और ये जो लिपस्टिक चौक है ये वाला मेन रोड है, और ये मेन रोड ये सीधा चला गया है बिदुपुर के साइड।
मायाराम हाट के पास। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर भी आप शटरिंग वगैरह लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, स्टेजिंग भरा आप लोगों को दिख रहा होगा। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर आई गटर का काम इस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई जो आई गटर का सरिया फिक्सिंग का काम है वो चल रहा है, यहाँ से वहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। पूरा सरिया फिक्सिंग हो गया है, थोड़ा बहुत सरिया का काम बचा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आई गटर का काम भाई काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। और जो सरिया आप लोगों को उठा हुआ दिख रहा होगा ना जो बेड के ऊपर से, इसके अंदर ये सिंक प्लेट जो है सो लगाया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। बोल्टिंग रहता है, मतलब थ्रेड रहता है, जब आई गटर को पेयर कैप के ऊपर रेस्ट किया जाता है पेडेस्टल के ऊपर में, तब इसके अंदर बोल्टिंग कर दिया जाता है बेयरिंग के ऊपर में। तो उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से लॉन्च होता है, जब लॉन्च होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस टाइम पे। इसमें भी भाई शटरिंग लगाना बाकी है, प्रोफाइलिंग का भी काम बचा हुआ है, पाइप वगैरह डालना अभी इसमें बचा हुआ है। कब तक हो जाएगा आशीष भाई? चलिए ये आज कितना है, 20 तारीख है ना? हाँ 24 तारीख तक हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, लगे रहिए। और इस तरफ में आप देख सकते हो गाइस काफ़ी सारा आई गटर बन के तैयार हो गया है। और भाई इस गटर की लेंथ की अगर हम बात करें तो 37 मीटर का आई गटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और भाई टोटल 48 आई गटर को बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसी पेयर कैप को, पेयर कैप के ऊपर में आई गटर को रखा जाएगा। ये क्रेन भाई जा रहा है कहीं पर, ये क्रेन जा रहा है आई गटर के पास शटरिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अबटमेंट वाल है, इसी के ऊपर भाई आई गटर को रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्यूपी का निर्माण किया गया है, पेडेस्ट्रियन अंडरपास। और मैं किसी बात पहुँचने ही वाला हूँ, अगर फाइनली हम पीसी वाई के पास पहुँच चुके हैं। और ये छोटा सा दुकान है, इसमें थोड़ा चाय पी लिया जाए, क्योंकि चाय सुबह सुबह हमने पिया नहीं है। तो चाय लिट्टी वगैरह यहाँ पर मिलता है हमेशा, आज तो हमने नाश्ता कर लिया था, चाय पीना बाकी है। चाय है हो? बनाना पड़ेगा तो बनाइएगा कि ठीक है बना लीजिए, बहुत बड़का लाइटर है यार। तो भाई चाय हमने पी लिया है, अब चलते हैं पीसी वाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस गाड़ी में सैंड आया हुआ है, जो कि धर्म कांटा पे एक कांटा हो रहा है ये गाड़ी। और इधर फैब्रिकेशन यार्ड है, इधर स्टील यार्ड है, और सामने प्रोजेक्ट ऑफिस भी है भाई। तो गाइज फाइनली पीसी वाई हम लोग पहुँच चुके हैं। और आज का जो हमारा काम है स्ट्रेसिंग का काम है, सीमेंट में जो ट्रांसफर डक्ट होते हैं उसको स्ट्रेसिंग करना है। तो गाइज ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे स्ट्रेसिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।